रश कर रहे हैं सब अकेले जा रहे हैं, अकेले रश कर रहे हैं वहाँ पे के रशर नाइट लेजेंड्स के ऊपर अकेले रश करना, आई मीन ठीक है डीबीएस यहाँ पे डीबीएस तो नहीं कह सकते बट एक और वहाँ पे बट यश भी काफी डाउन हो चुके हैं और यहाँ पे हिंदू वो ठीक है जो 69 सेंट और नाइट विजिटा 1v1 में बात खाना पड़ा और यहाँ पे दो दो टीम लोगों नंबर स्किन का क्योंकि वो अकेले है वहाँ पे बट न्यूक्लियर भी खत्म हो चुकी है बस जेनी ने बदला लिया है जेनी ने वहाँ पे टीम आईएनटी को हम लोग देख सकते हैं। टीम आईएनटी ने शायद एंग्री स्टार्स को स्पॉट कर लिया है और एंग्री स्टार्स के एक बहुत शायद नरपत से खत्म हो गए और यहाँ पे सैमी को अच्छा किया बट शॉट्स बन चुके हैं। कोई ना एंग्री स्टार्स के अब सिर्फ टॉक्सिक और विशाल बाकी है। लास्ट मैच की जो टीम जिन्होंने चिकन डिनर निकाला था यहाँ पे ऑलरेडी वन मैन डाउन है और काफी टेंस सिचुएशन और डीबीएस के मदद से ऋषि ने एक डाउन ले लिया शायद फिर उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं बिना कुछ के एंग्री स्टार्स यहाँ पे पूरी टीम के साथ में जाएंगे और दूसरा बंदा लोता शायद सेवन को उधर के फायर करना चाहिए था बट यहाँ पे ग्रेनेड क्यों पुक कर रहे हैं पता नहीं, शायद एस के मुंह पे फेंक के मारेंगे ग्रेनेड क्या वो फटेगा नहीं फटेगा। सैनी ने यहाँ पे खत्म कर दिया तरह आई मीन स्नाइप हो सकते हैं वो टोटल सैंडविच सिचुएशन क्योंकि बाजू में और एक टीम है जो है घोष्ट स्पोर्ट और यहाँ पे जेनी के ऊपर बहुत खतरनाक वाला खतरा है उनके ऊपर स्नाइपर और एयर का पूरा घोष्ट स्पोर्ट जो है अभी फिलहाल एंग्री स्टार्स के विशाल पे भारी होते हुए 1v2 सिचुएशन में है वो वहाँ पे कभी भी खत्म हो सकते हैं। गाड़ी अगर ब्लास्ट हुई तो मतलब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे और गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है उनके साथ नहीं और ऊपर से उनके पास एक स्नाइपर है तो थोड़ा सा स्क्वाड फाइट्स में उनको प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे मिस किया शॉट बट वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास लेवल 3 का हेलमेट भी है तो वन शॉट मारना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है उनके लिए। अरे पूरी मैगजीन खाली हो गई उनकी M24 की बट यहाँ पे सिर्फ 50 डैमेज पड़ा यस अगर आप PUBG PC कभी खेले होंगे तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वहीं पे उतरते हैं PUBG PC तो नहीं बट आप यहाँ पे उतरते ही MZ's विन समझता था और हमें डिमांड आ रही है अल्टीमेट FY को नॉक कर दिया है स्वेटेंगे यहाँ पे प्रेशर की सिचुएशन है उनके अपोनेंट आ चुके हैं क्योंकि MH की नॉक कर दिया और वहाँ और टीम फिनिक्स के दो बंदे अकेले अच्छा सा क्लच आया वहाँ पे और उनका सरप्राइज सा किया वहाँ पे हाइपर फ्यूजन फायर करके पता नहीं क्यों भाग रहे हैं और यहाँ पे डिमन को नॉक कर दिया है हाइपर फ्यूजन शायद डिमन को फिनिश करने जाएगा फिनिश कर दिया फिनिश पॉइंट म्यूचुअल स्प्रे देखने जाने जाते हैं बट वोर्टेक्स आगे एक और टीम से टकरा जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं कि यहाँ पे मेंबर्स है और उनपे फायरिंग हो गई और उन्हें भी कह सकते हैं और वोर्टेक्स का लास्ट में खत्म हो चुके हैं और वो मिले निशा पे तो देखने की बात ये होगी क्या वो वहाँ से भागेंगे या छुपके बैठेंगे और निशा डाउन हो चुकी है निशा को डाउन कर दिया और तो गोलियां खाना मुश्किल हो बट नहीं मैच डाउन हो चुके हैं इस बार और मैच खत्म हो चुके हैं उनको निशा जैसी दूसरी नाइट्रो बहुत लो उनका बचना मुश्किल होगा क्या ये स्मोक उनको बचा पाएगा क्योंकि बाजू में भी नहीं लगता वो बचा पाएगा नहीं बचा पाया हो चुका था इससे ज्यादा फास्ट मूवमेंट भी अच्छी नहीं होती इसका एग्जांपल मिल गया यहाँ पे श्रेया अपनी टीम को रिवाइव देते हुए टीम पायरेट्स जो है उनके सभी मेंबर्स जिंदा है और वहाँ पे एक्सटर्मिनेटर को भी वहाँ पे डाउन कर दिया उन्होंने MG3 का यूज होते हुए देख स्वैग जो है वहाँ पे श्रेया के सामने निकला और मुझे लगता है श्रेया बंटी और बंटी ने श्रेया पे अटैक किया और श्रेया ने उनको स्पॉट करके फायर किया और कुछ फायदा नहीं होगा श्रेया रिच के नीचे गिर चुके हैं क्या स्वैग की टीम के हत्ते चढ़ेंगे वहाँ पे उनके पास है और श्रेया ने नॉक कर दिया ACQ खत्म नहीं ACQ के एक मेंबर ने बची हुई बट नहीं अभी भी जिंदा है बट इनसेन को स्पॉट कर दिया गया है और इनसेन भी मुझे नहीं लगता बचेंगे इनसेन का जीतना उतना ही पॉसिबिलिटी है कि लाइक मेरी एक्स वापिस आ जाए नहीं मैं बोलना नहीं चाहता था बट आप भी इसका क्या ही कर सकते और यहाँ पे शायद बट बहुत अच्छा हो यहाँ पे एक्शन
देखने मिल रहा है हम लोग ग्लेशियर और डैडी के बीच में, डैडी नॉक आउट और फिनिश भी हो चुके ग्लेशियर, क्योंकि सामने टीम भी आई थी एडवर्ड को बचाने के लिए, पूरी टीम आ चुकी है। बट देखने वाली बात होगी कि वो अपनी टीम के लिए इतने इम्पोर्टेंट है क्या, क्योंकि पूरी टीम उनके लिए यहाँ पे ओपन में आ चुकी है और सामने वाली टीम के पास कवर है और इनके पास क्लोज रेंज वेपन से तो थोड़ा स्केरी रहेगा और डेविल बॉट्स को शायद वहीं पे छोड़ना पड़ेगा और वहाँ पे वो बचाने नहीं गए, वो फाइट चलने नहीं गए, डेविल हार नहीं मान रहे, अकेले आ रहे बट लड़ने की कोशिश हो रही है, अभी स्पॉट हो चुके हैं और जैसे हमने चमक रहा है। और यहाँ पे हम कृष्णा को भी देख सकते हैं, उन्होंने भी एक गेम ले लिया है, वेल डन कृष्णा। 4 PM जो है वहाँ पे फाइट के लिए और वहाँ पे नॉक कर दिया है, और अभी फिर भी वो शायद बच जाएंगे क्योंकि जोन थोड़ा सा उनके पास ही बचा लिया है। टीम वाइपर जो थे वहाँ पे क्या मतलब उनकी स्ट्रेटेजी थी, मतलब ऐसे जोन यहाँ पे इंटेंस के मारी भी खत्म हो चुके हैं, मारी को नॉट अ गुड आइडिया। बहुत अच्छे से यूज करते हैं कृष्णा अपनी टीम का करता धरता है, वही अपनी टीम को आगे लेके जाएंगे मेरे हिसाब से इस वाले गेम में। और वहाँ पे बेंच प्लेयर को नॉक कर दिया स्टॉर्म ने, बोल रहे वापस बेंच पे जाओ, इसलिए पूरा फिनिश ही कर दिया है उनको। बट अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा किल्स जो है वो अर्पित जॉर्ड ने निकाले, बट कृष्णा कभी कभी सपोर्टिव रोल भी खेलते हैं, ये मत भूल, बट वो इस मैच में रिडेम्पशन कर रहे हैं अपना, अपने आपको प्रूव कर रहे हो बहुत अच्छे से। यार कृष्णा नाम के जो भी प्लेयर्स खेल रहे पूरे स्मोक में जो उन्होंने स्प्रे दिया है बहुत ही इतनी बढ़िया स्प्रे था, और ये अब बिटवीन टीम ट्रिगर एंड टीम ट्रिगर शायद यहाँ पे थोड़ा सा फायर पावर दिखा गया अपना, और बिल्कुल ही ओपन में जो है वो जोन बनाया है। यहाँ पे कृष्णा ने एक को नॉक किया, बट यहाँ स्टार्टिंग यहाँ पे एजाटन की टीम अभी भी गाड़ी में डाउन कर दिया है अजीम के गोदाम को। यहाँ पे बकरी शायद वो स्पॉट ना करते, एनिमल ने अगर उनको पकड़ लिया तो वो शिकार बन भी सकते और शिकार कर भी, उनके टीममेट जो चीज कर और वो नॉक हो चुके हैं, जैसे स्विच किया पर्सपेक्टिव पूरे खराब ड्राइविंग। आई होप सो उन्हें कोई स्नेक ना मिले जो उनको ढस ले। यस, बट यहाँ पे जो बकरी स्पॉट है वो काफी करीब है टीम एनिमल के, सो वो यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं और स्पॉट हो चुका है, बट नॉक किया था जोरो को मामा द बकरी ने, रिटायरिंग के प्लेयर ने मैनेज कर लिया अपने एक बंदे को रिवाइव करने का, मुझे क्या टीम दो उनके अंदर श्रेया को स्पॉट कर लिया है, श्रेया से वो आपको हर जगह श्रेया क्यों दिखाई दे रही है पता नहीं, पिछले गेम की आपकी याद है शायद, मतलब खुश यानी कि यमराज खुश भी हो सकता है, पता ही नहीं है कभी ऊपर कभी नीचे। तो हम देख सकते हैं अजिंक के गोदाम में यहाँ पे गाड़ियों का कवर, और यहाँ पे कुछ बंदा है यहाँ पे ड्रोन होकर शॉट्स बचाने की कोशिश की है, नॉक आया क्रिकन भाग रहा है हर तरफ, आपको रामा गली के प्लेयर्स मिलेंगे और टाइटन वो डाउन हो चुके हैं, और इन्फर्नो आखिरी और उनके साथ एक बंदा बचा है, बड़ी तेज हो चुकी है डाउन हो चुके हैं, तो फायदा होता है उन्हें, मुझे लगता है और ये अच्छा होता उन्होंने वहाँ पे अच्छा स्प्रे दिया था, बट फाल्कन का लड़की बच जाता है वहाँ पे कार की बना वो अच्छा नहीं, जूपर ने यहाँ पे गलती कर दी कि वो ओपन को पहले वहाँ पे इन्फर्नो को रिवाइव देना चाहिए, फिर ही उन्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि इन्फर्नो जो है वो अपने टीम से जिंदा रहे। बट यहाँ पे यूनिक दिनेश को फाल्कन ने, सो नेक्सस के फाल्कन जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मतलब पूरी टीम पर डाउन हो चुके हैं, और मिस्टर बीन भी नाक हो चुके हैं, डीबीएस का क्लच हमें देखने मिला, सो 8 प्लेयर मिस्टर बीन भी फिनिशिंग नहीं
सिचुएशन है यहाँ पे, हालात थे उस बार सेम हालात इनके, बट इनकी लोकेशन भी सबको पता है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है लोकेशन चेंज करना, अच्छा डिसीजन रहेगा उनके लिए। फ्यू ऑफ द लास्ट डोंट्स बचे हैं, क्या वो अपने यहां पे हर जगह स्पाइडी को नॉक कर दिया है, वहां पे नाइट वहां पे फिनिश करने को देख रहे हैं स्पाइडी को, पता नहीं है कि वहां पे एक और प्लेयर जो है फाल्कन उनके तरफ तेजी से बढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या फाल्कन उन्हें नॉक कर देंगे और ये फाल्कन कर दीजिए।